अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। मैं ईसा बहज्जाज कांग्रेस लीडर बारकस चंद्रन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। लेकिन यहाँ देखिए, ये मासूम बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, ये मासूम बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। एक साहब यहीं पर, यह कचरा जहाँ पर है वहाँ पर उन्होंने बैठे हुए हैं। और ये पार्किंग है गाड़ियों की, बाज़ोखत अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ज़्यादा पार्किंग थी, गाड़ियाँ नहीं थे तो आगे पीछे लगाना पड़ रहा। ये देखिए कचरे की हालत, और हवा से जो है आगे तक, ये मार्केट मेन मार्केट है बारकस की कपड़े की, उसकी आगे बाज़ार है मेन मार्केट, बाहर से पूरे लोग आते हैं। और ये शक्ल हमारी दिखती है यहाँ के हमारे काउंसलर की, एमएलए एमपी की शक्ल इस कचरे में दिखती है कि वो किस तरीके से काम करा रहे हैं एरिया क्या है। और काउंसलर बाज़ोखत बैठ के यहाँ पर चाय भी पीते, साहब आके सलेमानी भी पीते हमारे वर्कर्स का, नमक समझे, नमक भी खाते हमारे वर्कर्स का, लेकिन समझो उनको ये चीज़ नज़र नहीं आती। ये पानी का फिल्टर है यहाँ पर, यहाँ हराज होता है, ये हराज होता वहाँ पर जो है अपने दोषा वगैरह सब लगता है। सुबह में जब कचरा उठाते इतना तूफान, इतनी बदबू उठती है यहाँ से, अब आप बताएं क्या करें। अब आँखों का जो है वबा चल रही है, बच्चों को अगर ये चीज़ हो तो कैसा। फिर यहाँ पर पार्किंग की जगह है, लोग यहाँ पर अगर टूर्नामेंट वगैरह होता, क्रिकेट खेलते करते हैं, बाहर से लोग आएंगे तो किस तरीके से। ये ग्राउंड बन गया, ग्राउंड की भी हालत अभी जर्जर है, इसका मेंटेनेंस कुछ नहीं हो रहा, अंदर सारे पत्थर वगैरह सब टूटे हुए है, समझे हैं। अब मैं बताऊं आपको, ये मेन मार्केट है और ये भी दुकान है, ये मेन मार्केट है बारकस की, यहाँ पर कपड़े की दुकान है वगैरह, बाहर से लोग बहुत सारे जो है मशहूर होने की वजह से आते हैं यहाँ से। मैं बताऊं वो अपने जो है आपका हरज का है, जहाँ पर हराज होता है सारे, ये कचरा उन लोग कौन एक जगह नहीं फेंकते हैं, दूर से फेंक कर चले जाते हैं। और ये कचरा जो है हवा से उड़ता हुआ, ये मेन मार्केट है यहाँ की, समझे हैं। ये दुकानें अभी खुलने वाली है। अभी मैं एक बताऊं, लाइब्रेरी के बैक साइड के ऊपर भी कचरा जो है ढेरों सा था, परसों बारिश के अंदर कचरा उठा के जाने के बाद में कीड़े लाखों के, करोड़ों की तादाद में छोटे छोटे कीड़े थे उसमें। एक साहब लेके जाकर बताया, मैंने वीडियो निकाला लेकिन डिलीट हो गया मेरे से वो। तो वहाँ से वो जब बारिश हो रही, वो पानी भरा तो कीड़े साथ साथ गली के अंदर जा रहे थे, वो बिन मूसवे के घर के तरफ, उधर बिन बासवन उसके तरफ जा रहे थे, वो बाकोबन की दुकान के अंदर होते हुए। तो लेके जाके बताए, ये चूज़ा भी मरा हुआ था, उसमें भी कीड़े हो गए हैं। तो सारी चीज़ें जो है इस तरीके की। तो आपका क्या है नुमाइंदगी हमको नहीं मालूम यहाँ के काउंसलर की, समझे, हम यहीं आके चाय पीते साहब यहाँ पर, समझे, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं होती, हिदायत नहीं देते। हम हिदायत अल्लाह से मांग रहे हैं इनके लिए, इन लोग दूसरों की हिदायत लेके चलते रहते, इसीलिए अल्लाह ताला हिदायत नहीं दे रहा, वहाँ से मिल रही ना, तो वही हिदायत के ऊपर समझो वही काम करेंगे, वैसी हिदायत मिलेंगी। तो अब ये सारी मार्केट है यहाँ पर, ये पूरी मार्केट है यहाँ, पूरी गंदगी यहाँ से, यह हवा उड़ के, यह हवा से उड़ के यह पूरी गंदगी जो है यह मेन मार्केट की तरफ, बारकस की मार्केट की तरफ आती है, समझे। तो शुक्रिया जी, खैरियत है। तो ये है, देखिए देखिए किस तरीके से आप लोग काम करते हैं बारकस के अंदर। हर जगह पे कचरा है, हर जगह पे इसी तरीके से है। बच्चों के अपने क्या बोलते हैं कब्रस्तान के पास, दवा के पास, वहाँ पर इरफान की दवा के पास, जगह जगह पर यही है। कोई नुमाइंदगी नहीं करता ना, जाके लेकर आ सकते हैं जी एच एम सी से, वो अपना काम होगा बहुत है, समझो। कहाँ से योजनाएं मिलती है, कहाँ से लोगों को फ़ायदा मिलता है, वो वहाँ तक पहुँचते नहीं है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखते हैं पब्लिक का क्या रुदे अमल रहता है।